हमने क्रॉस किया है रानी का नाला और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बादल वगैरह जो हैं आपके काफी पास में नजर आएंगे और यहाँ पे करीब बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो चलिए सामने का व्यू आपको दिखा देते हैं एक बार। अच्छा, ये पहाड़ी नहीं आएगी, ये पहाड़ी सब हटा दो। तो अब ये बादल तो नीचे पहुँचने शुरू हो गए, यहाँ से दूसरी पहाड़ी पहुँचे, बर्फ की पहाड़ी। भैया यहाँ से कितना रह गया? यहाँ से कितना रह गया? 5-4 किलोमीटर रह गया। 5-4 और ये ऐसे ऐसे करके ना ज्यादा। तो भैया जो पूरा माना जाता है जो गोलाई से ही दूरी मानी जा रही है, रोड रोड से दूरी है, वैसे ना है बाहर दिखने में। यहाँ जैसे रोहतांग को पहले रोहतांग होते लाशों के ढेर मिलते थे यहाँ पे। अच्छा, लाशों के ढेर क्यों मिलते थे यहाँ पे? क्योंकि जो लाहौल स्पीति के लोग आते थे वो इलाज कराने के लिए कुल्लू आते थे हॉस्पिटल। हाँ, जंगल तो था नहीं, ठीक है, देखी है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट तो मर जाएगा यही। हाँ, जितने भी पैसेंजर है वो सारे मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सी जगह? ऐसे है आशिकों की जगह, दीवालों पे आशिकी कर सकते हैं यहाँ पे। रानी का राजा है, रोहतांग की बर्फ की पहाड़ी पड़ती है, उससे लद्दाख की पहाड़ी तो पड़ती है बगल में, ज्यादा दूर थोड़ी है। ये अरे ये बादल आने लगे भाई साहब, सामने देखो कार से टकरा रहे बादल। पहाड़ी आज से बहुत पास पड़ता है। अरे सामने बादल टकराएंगे कारों से, देखो 300 किलोमीटर कोई दिखेगा पहाड़? नहीं, पहाड़ी रास्ते जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ जाओगे 400 किलोमीटर। वहाँ रोक के खिंचा लेना, वहीं पहुँचना बादलों में ही। ये देखो सामने बादल कितने नीचे नीचे हो गए हैं, अब हम ऊपर आ चुके हैं। जितने ऊपर तुम जा जाओ बादल उतने ऊपर जाते होंगे। हाँ सुनिए बंगनी भाई, कहानी सुनिए भाई, ऊपर चले जाएंगे और मतलब यहाँ तो हर जगह बर्फ जमी हुई है, तो ये रोड पे भी आ जाती होगी सारी बर्फ। ये रोड पे से बीआरओ ने साफ करिए, बीआरओ नहीं तो खुदिए ये सब बर्फ ही है। ये 2-3 महीना के लिए रोड काट के सब दबा करके वो करते हैं, घूमने के लिए बना दिए। यहाँ देखो कार की खिड़की से बादल, खोलो खिड़की खोल दो, यहाँ पे देखिए कार की खिड़की से बादल बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, टकराते हुए निकलेंगे। ये देखिए सामने बादल हैं और यहाँ सामने देखिए, ये देख, ये देखिए, ये काफी खूबसूरत मजा है। बिल्कुल रोड पे बादल क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, सुसु के वहाँ ने रोकी है गाड़ी भाई बादलों से टकराने के लिए। भाई ऊंचा मत कर देना बादलों को। यहाँ देखिए बादल बिल्कुल बादलों के ऊपर हैं हम इस समय, और ये बैक कैमरा लगाता हूँ मैं, सेल्फी मोड। ये देखिए, और भैया काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है एसी से भी ज्यादा। और देखिए मेरे पीछे बादल निकल के जा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा। और भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे, हवा कैसी है? भैया बहुत जोर की, टॉप की है ना, बादल टकराते हुए जा रहे हैं और यहाँ बर्फ जमी हुई है इस पहाड़ पे काफी अच्छी। और भैया यहाँ की कोई, अरे बॉस यहाँ की कोई खासियत बताएंगे आप? यहाँ की खासियत ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ 4 बजे के बाद ऑक्सीजन लेवल में बिल्कुल कमी आती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। सब टूरिस्टों को यहाँ से भेज दिया जाता है 4 बजे के बाद, 4 बजे कोई टूरिस्ट नहीं रुकेगा ऊपर। अच्छा पेशेंट वगैरह हो तो वो तो यहाँ एक्सपायरी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ सेल्फ अपना ही रहता, सब कुछ जो भी रहता है वो अपना ही ध्यान खुद रखना पड़ता है, अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। रेस्क्यू नहीं आएगा, इधर खड़े हो सकते हैं, रिस्की है, हो सकते हैं पर थोड़ा आगे भी जाना अपने। तो यहाँ पे देखिए नीचे आधा धूप और सीधे बादल हमारे चेहरे से टकराते हुए यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ आने के बाद आपको जन्नत का मजा आने वाला है। नीचे देखिए बहुत ही ज्यादा गहरा है, मतलब आप सोच नहीं सकते 10-12 हजार फुट की गहराई है यहाँ पे नीचे की तरफ। और ऊपर देखिए यहाँ, ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल हैं, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बादल उड़ते हुए जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ हम हाईवे पे रुके हुए एक जगह बीच में, ये देखिए पीछे बादल,
आपको हम बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आनंद आ रहा है। मैं बैक कैमरा फिर से लेता हूँ और अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे देखिए धूप भी हल्की सी निकल आई है हमारे, ये देखिए धूप का नज़ारा, सामने धूप निकल आई है हल्की सी और बादल कितने खूबसूरत यहाँ पे लग रहे हैं। ये देखिए लो भाई लो, ये पकड़ लो, यहाँ पे देखिए एकदम जन्नत का नजारा है और काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ बादल हमारे ऊपर से जा रहे हैं टकराते हुए और चारों तरफ एकदम ऐसा मौसम है कि पता नहीं लग रहा कि जैसे हम किसी मतलब घड़े में बंद हैं क्या, बिल्कुल बर्फीले में। चारों तरफ रोड दिखना बंद हो गई है, चारों तरफ की केवल यही इलाका दिख रहा है। यहाँ से करीब 40-40 फुट दूर का आप देख सकते हैं केवल, और बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं फुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये खुद ही रोटेट होता क्या? हाँ, DJI Pocket 2। अभी यहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय कर लिया, बहुत ठंडी हवा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। अभी हम और ऊपर जाने वाले हैं तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम जा रहे हैं ऊपर, सीधे अपनी गाड़ी में बैठेंगे और ऊपर जाएंगे टॉप पे। फिर देखिए एकदम बर्फ़ी बर्फ मिलेगी वहाँ पे आपको और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमने चलना शुरू कर दिया, काफी ठंड है, बाहर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, हाथ पैर 2 मिनट में यहाँ पे ठंडे हो गए हमारे। और ज्यादा देर रुकने का मतलब है कि बीमारी आपको लगी जाएगी कोई ना कोई रोग ठंड की वजह से। यहाँ पर सब कुछ दिखना बंद हो गया, कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सिवाय बादलों के, बादल उठ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ और ठंडी हवाएं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चल रही है। तो जो पास का है 10-20-30 फुट का डिस्टेंस है वो यहाँ पे केवल नजर आ रहा है। तो काफी ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे और आनंद एकदम भरपूर आ रहा है यहाँ पे, आने में मजा अलग ही है भाई। ये देखिए यहाँ पे फिर बर्फ जम रही है और बर्फ के बीच में से हम फिर से जाएंगे निकल के। ये देखिए 15-15-20-20 फुट ऊंची रोड के दोनों साइड में बर्फ है और ये देखिए ऐसे बहुत सारे नज़ारे यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आपको कभी आना हो तो गाड़ी एकदम अच्छी क्वालिटी अच्छी लें, जिससे कि ऐसा ना हो कि रास्ते में बंद हो जाए और आपको तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेडिकल समय से पहुँच पाएगा और ना ही कोई आपको मदद मिल पाएगी। कोई भला आदमी मिल गया तो शायद मदद मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे बादल क्या जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही कम कम यहाँ पे दिख रहा है और जगह जगह छोटे मोटे यहाँ झरने बहते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि बर्फ जो है वो पिघल पिघल के नीचे पानी के रूप में जा रही है। सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, कितनी सारी गाड़ियाँ रोड पे दोनों साइड में लगी हुई है, देखिए आप। और हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर, तो थोड़ा अभी और हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हवा काफी जबरदस्त चल रही है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई है लेकिन यहाँ पे दिख कुछ नहीं रहा। ऊपर देखिए, देखिए सामने गाड़ी खड़ी है ऊपर, कितने ऊपर पे थोड़ा पार्किंग है आगे, पार्किंग पे गाड़ी आगे देखिए। अभी हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और तब वहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटी मोटी गाड़ियाँ से सिंगल ड्राइविंग वाली जो गाड़ियाँ हैं उनसे आप यहाँ पे काफी मजे ले सकते हैं। देखिए सामने बर्फ, देखिए सामने कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो यहाँ बर्फ पे अभी हम फिसलेंगे, घूमेंगे, जो भी हमें करना है वो यहीं पे करना है, काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। गाड़ी पार्क करने के लिए अभी भी जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगी हुई हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया, अब हम उतरेंगे अपनी गाड़ी से और यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अपनी एक्टिविटीज़ जिन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन बर्फ यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी गंदी हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं बर्फ वाइट की जगह पर यहाँ पर एकदम मिट्टी जैसे कलर की हो गई है और यहाँ पर काफ़ी मज़ा लोगों को आ रहा है। गाड़ियाँ ऊपर भी जा रही हैं, जिन लोगों को पार्किंग करनी है ऊपर, यहाँ पर जगह नहीं है पार्किंग के लिए। तो आप देखिए अभी हम नीचे चलेंगे बर्फ़ की साइड में और फिर देखेंगे कितना मज़ा आने वाला। यहाँ पे नीचे की अपेक्षा ठंड काफ़ी कम है और काफ़ी मतलब आनंद आ रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे गाड़ियाँ ट्रैवल करती हुई,
और अभी हम जाएंगे नीचे, अब तो सब यहीं रहेंगे। और यहाँ पे मिल रहे हैं भुट्टे, वो भी 50 रुपए का, 60 रुपए का, हो सकता है यहाँ 100 का भी मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए नीचे एक्टिविटीज, और यहाँ पे हम जो शूट कर रहे हैं ये 4K वीडियो है। तो यहाँ देखिए बर्फ़ पिघल के झरने के रूप में पानी की तरह बह रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और हम ऊपर टॉप पे हैं इस समय, सामने देखिए बर्फ़ का नज़ारा है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और फिसलते हुए नीचे आएंगे। भाई साहब ऐसे देख के चलना, नीचे उतरना हो तो कोई जगह ऐसी देख लो जहाँ से आराम से उतर जाओ, गिरना नहीं है। हम भी नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। और जूते अगर आपको यहाँ से लाने हैं तो जूते ऐसे पहने जिनकी ग्रिप कुछ मजबूत हो, जिससे कि आप फिसल ना जाएं। पहाड़ों पे पैर संभल के रखें, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे आदत नहीं होती है पहाड़ों पे चलने की, उतरने की। तो हम काफ़ी सावधानी से यहाँ पे उतर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे झरना बह रहा है नाले के रूप में, और पानी यहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ठंडा पानी है एकदम। तो यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं और आगे, ये देखिए बस और ये लीजिए हमने कर लिया पार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्फ जो है वो काफी गंदी हो चुकी है बिल्कुल। तो हम आगे जाएंगे अभी बर्फ पे चलते हुए, ये देखिए। लेकिन मेरी सलाह ये है कि यहाँ के लिए जूते लाने हों तो बर्फ़ वाले ही लाएं। चले बना जीरो 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 जीरो। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। भैया क्या प्राइस है? नीचे से बुक करके ऊपर आना पड़ेगा। चलिए ऊपर चलते हैं बर्फ पे। लेकिन अरे इधर से भी चले जाएंगे उधर, आ जाओ बर्फ में हो गई, चले नीचे से चल रहे ऊपर की तरफ। मेरे पास तो भाई, तो यहाँ पे पैर बड़ा संभल के रखना है। थोड़ी सी गलती पे स्लिप हो जाएंगे और चोट लग सकती है बहुत ही ज्यादा, तो सावधानी के साथ यहाँ पे आना है। ये देखिए ऊपर बादल हैं सीधे, और इस समय हम बादलों में ही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नीचे की अपेक्षा यहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, हो सकता है गाड़ी में बैठने के बाद हमें ठंड लगे। लेकिन मेरी एक सलाह है, यहाँ पे अगर आएँ तो कैप वगैरह लगा के ही आएँ या मफलर वगैरह ले लें, क्योंकि ठंड की वजह से आपके हाथ पैर जम सकते हैं, क्योंकि ठंड सीधी कानों से अंदर जाएगी। ये देखिए तो हम यहाँ चढ़ते हुए पहाड़ों से सीधे ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको जूते पहनने हो तो रेड सी वगैरह ऐसे बढ़िया क्वालिटी की जूते पहने। ये देखिए, और मैं भी यहीं से कूदता हूँ एक मिनट के अंदर। थोड़ा फिसलन भरा माहौल है, देखते हैं ग्रिप जम गई, और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। और रपटन है काफ़ी, पीछे उतरा और यहाँ से एक झटके के साथ आगे बढ़े और आगे ऊपर। तो यहाँ काफ़ी बर्फ़ है, ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ गंदी है और कपड़े आपके भीग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपनी तरफ कैमरे को, और काफ़ी यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो पैर हैं वो बार बार फिसल रहे हैं बर्फ़ अधिक होने की वजह से। तो यहाँ से अगर फिसले तो नीचे हाथ पैर ही टूटेंगे, क्योंकि सामने जो पत्थर है ना, तो यहाँ बर्फ़ पे ज़ोर से पैर मारिए। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नीचे। ये देखिए यहाँ पे जो पैर अगर आप रखेंगे तो फिसलेंगे, ऐसे करके रखिए, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिसलने से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे सेल्फी वगैरह आपको लेनी हो तो वो भी आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो भैया से बात करनी ना। तो क्या कर रहे हो?
भैया और सवाल दो नीचे जीतते चला। तो फिसलन काफ़ी ज़्यादा है तो रिस्क लेने का कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ पैर गढ़ा लेता हूँ अपने और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बाकी का सारा नज़ारा मैं सामने का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये लीजिए, ये देखिए हजारों लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पे, अरे ये देखिए काफ़ी और ऊपर का भी व्यू काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो भी खिंचाना है तो यहाँ आके खिंचा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। सर फोटो का क्या चार्जेज है? फोटो अनलिमिटेड है, पर पर्सन 50 है जी। पर पर्सन 50, फैमिली का हो अगर एक साथ? पर्सन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है और पर पर्सन 50 रुपीज़ आपको देने पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे आप अपनी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 27/5/2022, आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरी तरफ काफ़ी ऊंचाई पे। शिवा सुन, ऐसे करके और पैर जमीन पे कुछ इस तरीके से, रपट मत जाना, पैर मार मार के जोर से जब ही जाना ऊपर। नहीं रबड़ जाओगे, सामने टकराओगे पहाड़ी से, हाथ पे वहाँ। तो अगर आप गलती से रपट भी जाएं तो अपने आप को पलट लें। चाय पे आओ भाई, यहाँ पे चाय मिल रही है। सर कितने रुपए की चाय है सर यहाँ पे? हेलो तो यहाँ पे चाय की व्यवस्था है। सर कितने रुपए की चाय है यहाँ पे? 30 रुपीज़ चाय, कॉफ़ी 40, तो एकदम गर्म मिलेगी। चलिए यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, 30 रुपीज़ की चाय है। और अगर आपको यहाँ पे कॉफ़ी पीनी है तो यहाँ पे हमने ले लिए चाय। ऊपर जाएगा कौन? मैं तो जा रहा हूँ। तो कैमरा अपनी तरफ और चाय का आनंद हम यहाँ ले रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मेला मत करियो। और ये हमारे साथ है हमारा भाई, देखिए ठंड में जमा पड़ा है ये भी मेरी तरह और पैर फिसल रहे हैं बार बार। यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का मजा ही कुछ और आ रहा है। चारों तरफ का कुछ भी दिखना बंद हो गया है, कुछ नहीं नज़र आ रहा। पास पास का 10 से 20 फुट 30 फुट के आसपास का ही दिखेगा आपको। सर ये कब यहीं रख दो। तो यहाँ पे हमने चाय पी और काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा अंदर से गर्म गर्म महसूस हुआ। हाँ गर्म थी अंदर से, थोड़ा गर्म गर्म महसूस हुआ और बोलने में जो दिक्कत हो रही थी ना वो चाय पी के एकदम दूर हो गई है। और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मज़ा आ रहा है। चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर भी देखेंगे तो मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ ऊपर का। चाय हाँ, तो यहाँ लगभग 15 मिनट का व्यू हो गया है। ये देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ चारों तरफ। सुनो हम ऊपर जा रहे हैं, सड़क के आएंगे, हमारी वीडियो बनाना और ऐसे ही। भाई साहब सुनो, सरकने के चक्कर में नीचे उतर गए, सीधे गिरेंगे। मैं बता दूं अभी ब्लॉग हिंदी टेक इन्फो पे आप सर्च करना मिल जाएगा, हिंदी टेक इन्फो। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कितना टाइम हो गया आए हुए? 1 घंटे से ऊपर। अभी इसके बाद आगे का क्या प्लान है आपका? मनाली वापस लौटेंगे। चलिए इसके बाद और कहीं घूमने का भी प्लान है? अच्छा वैसे सांस वांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नीचे तो हो रही थी, नीचे ठंड भी ज़्यादा थी, यहाँ ठंड कम है। ये देखिए ऊपर, ये देखिए लोग यहाँ काफ़ी बर्फ पे मज़े ले रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो इसका आनंद अगर आपको लेना है
तो मैं एक बार फिसल के भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे खड़े होने का जो तरीका है, एड़ी से जोर से चोट मारिए जब बर्फ में, और जब आपकी एड़ी बर्फ में गड़ जाए तो आराम से खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? बिहार से? इतनी दूर? और कहाँ कहाँ घूमेंगे अभी? अभी तो यहाँ से जाएंगे 0 पॉइंट। 0 पॉइंट? अच्छा, इसके बाद? इसके बाद उधर से अटल टनल होते हुए। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से कल स्पीति वैली जानी है। अच्छा अच्छा, तो इनका भी टूर लगभग सेम हमारे जैसा ही है। ओके, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वी आर एंजॉयिंग हियर विद द आइस, ऑल्दो आइस इज थोड़ा बहुत डर्टी है, बट डर्टी ये इसलिए हो गया है कि लोग गंदे जूते वगैरह पहन के चढ़ जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा था जो आइस है वो बिल्कुल गंदी हो चुकी है। करेक्ट, नहीं लोग के चलने से फिर वो हट जाते हैं। हाँ, जब स्लिप होते हैं ऊपर से तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। ओके, अपने मोबाइल नगरिया नंबर दियो वीडियो एक। बाय द वे, व्हाट इज योर हिंदी टेक इन्फो? हिंदी टेक इन्फो? हम भी आएंगे बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो राम राणा ऑफिशियल। चलो अब तो मैं हाथ पकड़ के ले जाऊंगा जी। वीडियो बना, वीडियो बनाई है भैया। चल भाई, और का? ये देखो हमारे साथ जा रहे हैं कुछ लोग ऊपर, बर्फ पे फिसलने की तैयारी करने वाले हैं ये। अभी इन पे चढ़ने में ये स्लिप हो रहे हैं बार बार। जाओगे? आ जाओ, मैंने कई कपड़ा ले लो। आराम से बिल्कुल, केयरफुल चलना भाई ऊपर। वो पहुंच गो, तुम रोज आ जा रहे हो। ये देखो ये फिसल गया, ऊपर चढ़ाने गए थे, ये आ रहा वापस। नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं आएगा। अबे ये नीचे आ गया। ये देखिए ऊपर भी लोग जा रहे हैं ऊपर बर्फ पे फिसलने के लिए। चारों ओर काफी खूबसूरत नजारा है यार, या जन्नत है एकदम। और यहाँ आपको ऊपर चलने चलो, वहाँ बैठेंगे और ऊपर मैं फिसलूंगा। आप ये ले लो एक बार, सुनो हाँ। ये देखिए मैं फिसल रहा हूँ नीचे बर्फ पे, और काफी मजा आ रहा है, एंजॉयिंग इट। और कपड़े यार एक ही बार में बिक जाएंगे यहाँ, कपड़े पीछे से पूरे भीग गए एक ही बार में। तो मैं दूसरा ट्रायल नहीं लेने वाला। हाथ पैर एकदम सुन्न होना शुरू हो गए, जम रहे हैं बिल्कुल, और जूतों में बर्फ भर गई है। चलिए और यहाँ पे दिखाते हैं, लोग इसकी का आनंद यहाँ पे ले रहे हैं सामने से। ये देखिए तो भैया ये देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो किन्नी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। ये देखिए कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे। तो मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछते हैं इसका क्या चार्जेज है। हेलो, यहाँ पे आप हैं सर? हाँ जी। कितना चार्जेज है यहाँ पे इसी का? इसका 2000। हाँ, कितनी देर का? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? वैसे अगर किसी को दो चार मिनट करना हो तो? दो चार मिनट ऐसा नहीं रहता, ये अनलिमिटेड वाला है। अनलिमिटेड वाला है, आपने चाहे एक राउंड करना है उतना ही चार्ज रहेगा। अच्छा अच्छा, कितना भी देर मतलब? जितना मर्जी। जितना मर्जी। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके।
और ऊपर चलते हैं। अरे ऊपर चलें, ऊपर टॉप पे चलें। पहले मूड बनाया तो ऊपर चलें एक बार टॉप पे। पहले मूड बनाया तो ऊपर का। अरे आ जाओ। हाँ ये देखिए, और यहाँ पे कैमरे के लेंस पे शायद चलो चलो आइस आ रही है। हाँ, और ये हम 4K में शूट कर रहे हैं इसलिए ये देखो ऐसे करने की कोशिश आप मत करना, आपके चोट लग जाएगी। ये तो भैया बस मजे लेने के लिए करके दिखा रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना है। और बर्फ ये फेंक के मारे गोले तो कैच कर लेने सारे के सारे, लग गया तो खराब हो जाएगा। मैं तो कैच कर लेता हूँ, ये लो रिपीट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो चलिए। हाँ अब नहीं बना रहे, हाथ पैर जम जाएंगे बर्फ में, हालत हो जाएगी खराब। तो यहाँ से नीचे उतरने के लिए फिसलना पड़ेगा हमें। ये कैमरा खराब है, जाओ नेक देर में जय क्यों तो काम है। और ये हमारे सेवा भाई फिसल गए आज। कैसा लगा स्लिप होके? तो मैं अपना जो तो यहाँ से मैं धीरे धीरे स्लिप फिसलता नहीं हूँ, एक बार इसे रोक यहाँ से, फिर हमने वीडियो शुरू कर दिया दूसरा। तो मैं एड़ी के बल एड़ी को बर्फ़ में गाड़ता हुआ नीचे सावधानी के साथ उतरूँगा, जिससे कि हमें चोट लगने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर हो जाए। फिर भी हम कितना भी सावधानी करें फिसलने का चांस रहता ही है, तो बिल्कुल सावधानी के साथ आपको उतरना है। ये देखिए रेड चीफ के जो जूते का सोल है ना, उसमें बर्फ़ भर चुकी है पूरी। और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि सारे गिरेंगे कुछ इस तरीके से, एक आदमी दूसरे को ले डूबेगा यहाँ पे, तो अकेले अकेले उतरिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अब दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए ऊपर पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, सामने गाड़ियाँ भी शायद आपको नज़र आना शुरू हो गई होंगी। तो हम नीचे उतरते हैं सावधानी के साथ। रुको रुको, तो सर यहाँ क्या क्या मिलता है आपके पास? टी, इसके अलावा कॉफ़ी, मैगी, ब्रेड आमलेट वगैरह सब मिल जाता है, मतलब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है नहीं ऊपर नीचे से ऊपर। तो इसका प्राइस क्या क्या रहेगा? इसका प्राइस रहता है 60 रुपीस। किस चीज़ का? मैगी का, ठीक है। ऑमलेट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे आके ठंड लग रही है तो एक कप कॉफ़ी पीजिए और फिर से आप यहाँ पर बोलने लायक हो जाएंगे फिर से, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लगने वाला है। गर्मी आ जाएगी अंदर से ना, तो फिर थोड़ी देर और टहलने का मन करेगा, फिर थोड़ी देर घूमिए, फिर ठंड लगे तो फिर आके चाय पीजिए। और भूख लगती है तो यहाँ पर आप मैगी भी खा सकते हैं, और अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेनी हो तो कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ हमेशा ठंडी मिलेगी। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर चाउमीन वगैरह खा रहे हैं। तो सर कैसा टेस्ट टेस्ट का? ये इस जगह पर मैगी हो या कोई भी चीज़ हो बेस्ट है, जैसा भी मिल जाए, मतलब पेट भर जाना चाहिए है ना, थोड़ा अंदर से हीटिंग आ जाए। चलिए तो यहाँ तो अब चलते हैं। हमारे साथ वाले लोग आगे जा चुके हैं,
ये आपका ही है। तो क्या रेट ले रहे हो आप इसका, क्या बोलते थे? 1000 रुपये। क्या बोलते थे? टू स्लाइड। तो 1000 रुपये एक पर्सन का, कितने देर का है? कपल का है। कितनी देर? ये एक ही राइड होता है। अच्छा, एक ही राइड होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ से आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या, अच्छा इसमें और कुछ छूट भी है क्या? हाँ, एक दो राउंड कर सकते हैं। अच्छा, किसी के पास कम पैसे हो तो कितना चार्जेस रहेगा? तो सिचुएशन देख के, कर देंगे, मतलब लौटाएंगे नहीं किसी को। चलिए ठीक है, अच्छा लगा, एंजॉयमेंट कराएंगे उसका फुल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। तो चलते हैं, दौड़ के थोड़ा चलते हैं। तो आप दौड़ने की कोशिश यहाँ बिल्कुल मत करना। मैं तो यहाँ, मुझे तो थोड़ी नॉलेज हो गई है यहाँ पे निकलने के बाद, तो कैमरे को मैं अपनी तरफ घुमा लेता हूँ वापस से। तो दौड़ने की कोशिश यहाँ मत करना क्योंकि यहाँ पे स्लिप होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। और चश्मा लगा के आप आँखों को ठंडक से बचा सकते हैं, हवाएँ नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी में होके लोगों को निकलना पड़ रहा है, तो इनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती होगी कि हम निकलें। ये देखिए, अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ चलेंगे। आराम से चलिए सर, इधर से निकल जाते एक ही बार में, निकल जाइए। एक पैर बीच में रखिए सेंटर में, बस आगे निकल जाएंगे एक बार में। तो यहाँ पे बर्फ़ से जो ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं नाले के रूप में आ रहा है, झरना है। तो इन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे निकलने में। देखिए, बड़ी सावधानी बरतनी है यहाँ पे, चाहे थोड़ी देर लग जाए, जल्दबाजी का काम नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी आपने की तो हाथ पैरों में चोट लग सकती है, फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं तो शायद एक ही बार में पार कर जाऊँगा इसे। ये देखिए, आराम से चले जाइए, हाथ पकड़ लीजिए इनका, एक पैर बढ़ा के आगे कदम बढ़ा लीजिए, बस अब निकल जाइए आराम से। मदद करेंगे एक दूसरे की तो सुरक्षित पहुंचेंगे, ठीक है? तो देखो, मैं तो निकल जाऊंगा एक ही बार में, ये आ गया। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी बड़ी सावधानी के साथ ऊपर चढ़ना है। फिसलन है, रेत है, क्योंकि पैर स्लिप हुआ तो छोटे मोटे जो पत्थर हैं वो भी आपको काफ़ी चोट पहुँचा देंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, काफ़ी दूर हो गई है। जी भैया, हाँ बिल्कुल, आप आ चुके हैं ब्लॉग में, कहाँ से आ रहे हैं आप? हिंदी टेक इन्फो। आपका यूट्यूब चैनल का कौन सा है? हिंदी टेक इन्फो। ओके, तो वहाँ पे आप कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आए हैं नकोदर से। नकोदर से कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? दादर से 650। चलिए, कैसा लग रहा है यहाँ के? ठंड बहुत लगती है, मज़ा थोड़ा ज्यादा। ठंड वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे ठंड बहुत कम है, नीचे ठंड ज्यादा थी। हाँ जी, हाँ जी। है ना, यहाँ बर्फ है उसकी वजह से ठंड कम लग रही है। हाँ, चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके। कितने लोगों? चार। चार लोग हैं, अच्छा लग रहा है। तो सारे एक्टिविटीज जो करनी थी वो कर ली? अभी स्टार्ट करेंगे, तो मतलब 5-6 बजे करीब यहाँ से निकलेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, सामने का कैमरा फ्रंट ऑन कर लिया है मैंने। ये देखिए, सामने वेटिंग में खड़े हुए हैं हमारे साथ वाले जो लोग थे, और यहाँ लोग जो है एंजॉयमेंट कर रहे हैं, चाय नाश्ता ले रहे हैं नीचे। और यहाँ पे मक्का वगैरह भी अगर आपको लेनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं एक बार प्राइस पूछ लेता हूँ, क्या प्राइस है? तो यहाँ पे देखिए, मक्का वगैरह भी अगर आपको खानी है तो यहाँ मिल जाएगी, और थोड़ी अंदर से हीटिंग आ जाएगी। सर क्या रेट है? 50 रुपये। स्वीट कॉर्न और नॉर्मल वाला सादा वो नहीं है, 50 रुपीज़ 1 पीस। चलिए थैंक यू। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, तो यहाँ ठंड इतनी नहीं है जितनी नीचे थी। तो ठंड में जो आनंद है ना यहाँ,
उसका कोई जोड़ ही नहीं है यार, बिल्कुल मज़ा आया। चलिए गाड़ी में चलते हैं अपनी में। तो यहाँ सब लोग पहले से ही गाड़ी में मौजूद हैं, तो गाड़ी में अंदर। तो सर एंजॉय हो गया पूरा? पूरा फुल फुल फुल। अब आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे जाने का एक्साइटमेंट होगा? तो अब आगे कहाँ जाने वाले हैं? और अभी किस जगह जाएंगे आगे? अटल टनल जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं क्योंकि शाम को काफ़ी लेट हो जाएंगे, हम बैठते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी खुल चुका है ये सब कुछ, सामने का दिखाता हूँ मैं। अब सब कुछ दिखना शुरू हो गया वापस से, शायद हवाएं और बादल यहाँ कम हो गए। तो ये लोग यहाँ पे देखिए गाड़ी चला रहे हैं। तो चलते हैं अपनी गाड़ी में और अब हम आगे की तरफ चलेंगे, अटल टनल वगैरह हमें जाना है तो इसको यहीं रोक देते हैं। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी में। ये लीजिए। अब यहाँ पे ठंड काफ़ी कम लग रही है क्योंकि अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम हो गया है, तो ठंड बहुत कम है। और गाड़ियाँ आगे तक लगी हुई हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ पार्किंग नज़र आएगा, जगह जगह पार्क हो रही हैं। और हर जगह आपको बर्फ़ ही नज़र आएगी इस समय क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहतांग पास 2 किलोमीटर है। रोहतांग पास है ये? हाँ ठीक है। और यहाँ देखिए लोग गाड़ियों का आनंद ले रहे हैं। नीचे देखिए यहाँ पे बादल वगैरह अगर आपको देखने हैं तो ये नीचे से बह के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये मैं खोल देता हूँ। ओ तेरी, यहाँ तो काफ़ी ठंडी हवा है, शीशा ऊपर ही चढ़ा लिया हमने वापस क्योंकि गाड़ी में बहुत हवा लगने वाली है। ये देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो घोड़े वगैरह की सवारी भी कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, ऊपर तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे गाड़ी खड़ी ना हो। पूरा मतलब कवर्ड है पूरा इलाका गाड़ियों से इस समय। इसके अलावा ठंड है, बादल हैं। यहाँ देखिए नीचे, वैसे ज़्यादा दूर तक का नीचे आपको दिखाई देगा नहीं, अभी थोड़ा सा खुल गया है इसलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ऊंचाई पे नीचे तक देखिए रोड कितना नीचे, गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी अभी आपको। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का एंजॉय आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से यहाँ बर्फ़ आ गई है रोड के बीच में। और इसकी मतलब कितने महीने ये खुलता है? ये 4 महीने। मैं इनकी तरफ कर देता हूँ सर की तरफ, ये बताएंगे। 4 मंथ तक खुलता है। 4 मंथ तक खुलता है। किससे किस तक? ये आपका मई से अगस्त तक होता है। और इसके बाद? अगस्त के बाद फिर से बर्फबारी हो जाती है। बर्फबारी हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद किसी को आने नहीं देंगे ऊपर? तो किसी को परमिशन नहीं, किसी को भी। गुलाबा तक आ सकता है। अच्छा अच्छा, गुलाबा तक आ सकता है, उसके बाद रोक देंगे सबको। चलिए, मतलब ये सारा जो रोड है वो कवर्ड हो जाता होगा, ये रोड में पूरा बर्फ आ जाती है, उसके बाद सफाई चलती होगी महीने दो महीने, तब जाके क्लियर खुलता होगा ये। तो यहाँ देखिए अभी तो यहाँ भी बहुत सारा लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और हमारी गाड़ी रुक गई, अब शायद स्लो स्लो करके आगे बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो देखिए थोड़ा चलेगी थोड़ा रुकेगी, तो ये वीडियो कंटिन्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा जो बैटरी है इसकी बैकअप सब खत्म हो जाएगा यहीं पे। और लोकेशन पे पहुँच के हम फिर से शूट करेंगे, तो यहाँ पे हम कैमरे को कर लेते हैं क्लोज, फिर आगे का वीडियो करते हैं कंटिन्यू थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए दूसरा स्पॉट आप देख सकते हैं, ऊपर तक ठंडी हवाएं चलना वापस से शुरू हो गई हैं और लोग यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आज सबकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं लोग। देखिए अभी और आगे दिखाएंगे, इसे रोक लेते हैं यहीं पे। और ऊंचाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए ऊंचाई देखिए एक्टिविटीज़ के लिए एकदम। यहाँ ठंडी हवाएं वापस से चलना शुरू हो गई हैं और बादल बिल्कुल कानों से टकरा के जा रहे हैं चारों तरफ। नीचे का आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, ऊपर हम टॉप पे हैं। और यहाँ देखिए लोग, कुछ लोगों के कुछ मित्र हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं पहाड़ी पे खड़े होकर। ये देखिए एंजॉय तो ये ले रहे भाई। ये लीजिए जूम कर दिया मैंने और वापस से जूम आउट। तो
काफी आनंद है भाई यहाँ तो। और ये भाई क्या है, ये गाड़ियाँ हैं, ये ढकी हुई रखी हैं? ये बाइक है, ये टीवी जो बाइक, माउंटेन बाइक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से बाइक लेके आप एंजॉय कर सकते हो पूरा, है? यहाँ से आप बाइक लेके पूरा एंजॉय कर लो। शाम को ये बाइक यही रहता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा रात को रह नहीं सकता। अच्छा, तो ये तो इनके पहिए वगैरह भी इसमें गड़ जाते होंगे जमीन में, बर्फ में? सॉरी, क्यों, इनका पेट्रोल वगैरह भी जम जाता होगा? नहीं, जम पेट्रोल वगैरह जम जाता है क्या, ऐसा होता है? तो यहाँ काफी लंबी लाइन लगी पड़ी है, अभी भी हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए लोग बाइक का आनंद ले रहे हैं। ये आगे घोड़ा, घोड़ा ले लो, घोड़ा को ले लो, घोड़ा को तो मैं दिखा देंगे, हमें तो भाई घोड़ा को वीडियो लेना है। ये सकलते तो घोड़ा पे लग रहे हैं। घोड़ा है, घोड़ा लेने को हम तो ले चुके भाई साहब घोड़ा, और जो कुआरे हैं उन्हें घोड़ा लेने। अच्छा, तो ब्याह करके तुमने घोड़ा लगाया? पहले ही घोड़े पे गए हम, पहले ही घोड़ा पे गए हम। घोड़ा पे कोई जावे, हमने तो तुम्हें घोड़ी पे जावे। घोड़ा पे गए, घोड़ा पे। तो यहाँ पे आ गए हम रोहतांग पास पे। सामने मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है वेलकम यू रोहतांग पास। और यहाँ पे वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, बाकी सारी चीज़ें खाने पीने की, स्वेटर कैप वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये सर इतने सारे ये कपड़े किस बात के लगे हुए ऊपर पड़े हुए हैं? ये बौद्ध धर्म का कुछ, बौद्ध धर्म का कुछ फ्लैग है, यहाँ पे आगे चढ़ाते होंगे लोग, लगा के चले जाते हैं, अपना मार्क कर जाते हैं कुछ, है ऐसा ही है। ये ऊपर तो लद्दाख साइड तो यही मिलेंगे सबसे ज्यादा, तो यहाँ काफी ट्रैफिक है। तुम तो हिंदू हो गए, तो इसे बस रोकते हैं। बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, और नीचे बह रही है नदी। बारिश में हमारा जो गिम्बल है वो भीग जाएगा। अंदर चलते हैं। कोई सिस्टम होगा, फ्री ले जाते हो। तो यहाँ पे बारिश हो गई है शुरू, और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश है, क्योंकि ये मानसून की बारिश नहीं है, इसलिए जल्दी बंद हो जाएगी। और अगर मानसून ही बारिश होती तो इसका कोई टाइमिंग ही नहीं था कि कब ये बंद होगी। तो अभी मैं सामने का विंडस्क्रीन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और देखिए सारे शीशों पे पानी जमा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा मौसम बनता रहता है, बार बार कभी बारिश हो जाएगी, कभी बारिश बंद हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि जितना ऊपर आप जाएंगे वहीं पे ऐसी बारिश लगातार आपको मिलती रहेगी। और मानसून के समय में अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो बारिश कंटिन्यू घंटों का, दिनों की, कोई पता नहीं है कितने टाइम में बंद हो। बारिश चल रही है यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त, और आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ों की जो खूबसूरती है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। ऊपर देखिए,
ऊपर देखिए पहाड़ी कितनी जबरदस्त आ रही है और बर्फ यहीं से दिख रही होगी, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी हल्की हल्की यहाँ पे आ रही है, तो काफ़ी एंजॉयमेंट है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो फुल टाइम लेके आइए, 5 से 6 दिन, लगभग 10 दिन, और जब भी आप यहाँ पे आनंद ले पाएंगे, ये देखिए आप देखिए जो खूबसूरती है ना, ऐसी कहीं आपको मिलेगी नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बारिश होने की वजह से ठंड थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे, जो हवाएं चल रही थी वो अभी बंद है इस समय, आप देख सकते हैं पूरी रोड पे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और सामने बादल देख सकते हैं एकदम आपके कानों से टकराती हो जाएंगे, और पहाड़ों की जो खूबसूरती है सामने, वाह। आप देखिए सामने की जो खूबसूरती है एकदम चमकी अलग है, पहाड़ों पे बर्फ एकदम लाइट की तरह चमक रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और यही नज़ारा आपको चारों तरफ मिलेगा देखने को, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे यहाँ इस तरह का नज़ारा ना हो, रोड के चारों तरफ आपको बर्फ मिलेगी बार बार। तो मैं इसे चढ़ाता हूँ, इधर से सीधे से पानी आ रहा है ऊपर, जगह अंदर से हम अभी वीडियो कैप्चर करेंगे क्योंकि सारा का सारा जो पानी है गिम्बल में हमारे में भर जाएगा। तो व्यू देखिए भाई, व्यू का तो कोई जोड़ नहीं है। अभी हम अटल टनल जाएंगे, इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यहाँ पे चलने का मतलब है कि आप पूरी सावधानी बरतें हैं। तो मैं अपना पीछे का एक बार व्यू थोड़ी देर में लूँगा और मैं दिखाऊँगा कहाँ मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में, ये देखिए। तो वापस से फ्रंट का लेते हैं व्यू, और यहाँ घाटी हैं बहुत गहरी गहरी, तो यहाँ देखिए, और चारों तरफ का व्यू लेना संभव नहीं है क्योंकि कभी एक साइड में ट्रैफिक हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ऊपर से, टॉप से, ये बिल्कुल इसका टॉप है, ये टॉप है ना, ये इसका है ना, इसके बाद हम नीचे जाएंगे हम, है ना, ठीक है। अब यहाँ से सीधे कहाँ के लिए निकलेंगे हम, अटल टनल सीधे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखिए सामने नज़ारा क्या खूबसूरत है, ये देखिए, ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एकदम चमक यहाँ पे, नीचे घाटी है बहुत गहरी और ऊपर बादल हैं, धूप की वजह से जो बर्फ है ना वो एकदम चमक रही है भाई साहब, ऐसा सीन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सामने देखिए चारों तरफ ये एकदम खूबसूरत पॉइंट है, नीचे देखिए गाड़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी जाती हुई कितनी बारीक बारीक, और रास्ते सारी पहाड़ियों पर बने हुए हैं लगातार, तो लगातार फुल एंजॉय। ऊपर देखिए सामने बारिश की वजह से रोड पूरी भीग चुकी है, और यहाँ पे ये बारिश का मौसम नहीं है, लगातार बारिश रुक रुक के यहाँ होती रहती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बारिश हुई और भाग लो नीचे की तरफ, फुल एंजॉय करिए, आराम से गाड़ी में बैठिए, बारिश का भी आनंद लीजिए। ये देखिए सामने धूप पड़ना शुरू हो गई है, नीचे तक पहाड़ी पे पूरी धूप है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो बर्फ जमी हुई है, उसके ऊपर बादल भी है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वापस से लौट रहे हैं, अटल टनल जाएंगे, और मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए काफ़ी एंजॉय करने की जगह है, ये देखिए पीछे का, ये देखिए अभी हम जो आ रहे थे ऊपर की तरफ से, बारिश आ गई, सीधा ऊपर चढ़ा लेते हैं वापस से। काफी एंजॉयमेंट हुआ यहाँ पे आके, और वीडियो हम बना रहे हैं धीरे धीरे करके, सारे जो हमारे वीडियो है ना वो इसी तरीके से मिलेंगे, काफी दूर दूर तक हम अभी ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के बाद आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो देखने लायक, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां हम नहीं जा पाए होंगे, छूट गई होंगी, वो हमें अगली बार पता करेंगे, वो सारी चीज़ें हम अगली बार कवर करेंगे। सामने देखिए शीशा फिर मैं नीचे कर देता हूं, और ये देखिए सामने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, और ये जगह घूमने वाली हैं यार, घर के पीछे तो कोई घूम लेता है, और सामने का नज़ारा देखिए, ये देखिए इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, और सामने शीशा आ रहा है, गाड़ी देखिए सामने, we'll be right back।
सामने ये जो सामने गाड़ी जा रही है HP 01 के 69-10 ये जीवाराम की गाड़ी है और ये और ये भाई पी के गाड़ी चला रहा है इस समय, कभी लेफ्ट जाता है कभी राइट जाता है और अगर इसको कह दो ना जोर से तो ये शायद बैक टर्न भी मार देगा यू टर्न वापस। और देखो और देख रहे हो उड़ाता हुआ जा रहा है एकदम धुआं, यहाँ पानी भरा हुआ रोड पे नशे में, इसको उसका भी पता नहीं चल रहा है, ये खूब भगा रहा है मजे से ठीक है। और ऊपर पहाड़ है और देखिए जीवाराम की कोशिश करेंगे हम आपको चेहरा भी दिखा दें, देखिए स्लो कर ली इसलिए जीवाराम ने इसको इसके पास ले आओ जीवाराम जी कैसे ठीक है अच्छी बात। और ये देखिए अभी जीवाराम जी को हम ओवरटेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए जीवाराम जी हैं और इनकी दाढ़ी थोड़ी छोटी-छोटी हुई है अभी और पीछे रह गए जीवाराम जी। अब हम आगे का व्यू लेते हैं ठीक है यार, जब इसके बाद वीडियो पहुंचेगा ना तो ये समझ ही नहीं पाएगा किसने भेजी और किसने नाम कैसे बताता इसको तो भैया इधर भी इसको नीचे कर दे और ऊपर देखो भाई बार क्या बात है जीवाराम जी हमारे साथ आते हैं। ये देखो सामने देखो ओ भाई गॉड बार ये है सीन देखने लायक। एक बार पता क्या एक बार अगर इसका ऊपर देखो सुनो जीवाराम का अगर ड्राइवर सर्किट सब खुला होता ना जीवाराम जी पीछे चलते हुए और जीवाराम ने लिए मजे पूरे, तो अब जीवाराम जी पीछे रह गए शायद रुक जाएंगे नशा उतारेंगे पहले अपना हल्का करेंगे वहाँ ठीक है। जीवाराम जी मेरा ब्लॉग शायद इस वीडियो को देखने के बाद कभी ना देखे ब्लॉग मार देंगे मुझे ब्लॉग को यहाँ देखिए पानी भरा हुआ रोड पे पूरी तरह से और ये भाई देखिए ये सीन ये मजा है पानी भरा हुआ है गाड़ी से दोनों तरफ उड़ रहा है छींटे उड़ रहे हैं भाई साहब। और यहाँ आना हो ना बोला टाइम निकाल के हम थोड़ा यहाँ आने के लिए लेट हो गए थे 11 बजे निकले और हमें यहाँ निकलना था करीब सुबह 6 बजे के करीब हमें निकलना था यहाँ के लिए। अगर आप आना चाहते हो तो सुबह 6 बजे के लिए निकले 6 बजे निकलिए अपने होटल से 6 से 7 बजे तो आराम से आप निकलिए और जितना लेट हो जाएंगे इसमें ट्रैफिक मिल जाता है, हो सकता है आपका पूरा का पूरा समय खराब हो जाए ट्रैफिक में। तो ऊपर हाँ हाँ भैया हाँ हो जाएगा, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आप सामने देखते जाइए और ये देखिए ऊपर पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है ना वही लेने आएगा वही छोड़ने उधर से जब हम आए थे तो रोड काफी खराब था लेकिन यहाँ से इतना चिकना रोड है भाई साहब पता नहीं पूरी क्रीम यहीं पे लपेट दी हो रोड पे इन्होंने और शायद ये फेरे लवली चिपड़ रहे हैं इस रोड पे तो काफी अच्छी रोड है तो देखते जाइए और गाड़ियां भगाने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है क्रीम की वजह से ये खुद ही सरक रही है नीचे को तो क्रीम चिपड़ गई तो आप देखते जाइए और इन लौंडों को जो पीछे बैठे हैं ना इन सबको घी पिला के लाया हूँ मैं देखते जाइए और ये जो भी बोलेंगे ना ये मत समझना ये बोल रहे हैं इनकी जीप से जो है ना वो सारा चीजें रपट रपट के बाहर आ रहे हैं इनके मन में जो सर है ना वो वहाँ से स्लिप हो के बाहर आ रहे हैं क्योंकि मैं इन लौंडों को घी पिला के लाया था होटल से ही। तो आप देखते जाइए और राम भैया आप चुप होने वाले नहीं है सबकी पोल खोल देंगे और अब होगा तो भाई साहब इनको घी पिला दिया है किसमें घुसा मारते आराम लॉक कैसे हो गए। चलिए हमारा शीशा यहाँ पे लॉक हो गया है ऊपर नहीं हो रहा है गाड़ी रोक के देखते हैं पहले से क्योंकि बारिश अगर आ गई और तो यहाँ तो आप एंजॉय करते होंगे परमानेंटली आना जाना लगा रहता है आपको टूर करने की जरूरत नहीं है पैसे खर्च होते नहीं होंगे बिल्कुल भी यहाँ तो लौंडे लाखों रुपए से बर्बाद हो गए ये पूछो इनसे लाखों रुपए उड़ा के आ रहे हैं ये लोग तो यहाँ पे तो मुझे लगता है इन लोगों को भी एक एक गाड़ियाँ दिलवा देनी चाहिए यहीं ठीक है। और काफी खूबसूरत व्यू है चारों ओर का आप देख सकते हैं ऊपर की पहाड़ियाँ अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जल्दी मिलेगा हमारे ब्लॉग पे
तो अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी कहाँ जाएंगे? उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम अटल टनल। तो ये वहीं जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है। चलते हैं अपनी गाड़ी में। शीशा देख लिया आपने? शीशा में ठीक है, शीशा नहीं, अगर बारिश आ गई तो सब पानी अंदर भर जाएगा इसके। तो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए नीचे रोड बनी हुई है, क्या हो गया इसको, और काफी खूबसूरत नजारा है। ये देखिए सामने छोटी छोटी झीलें, जगह जगह ऊपर का सीन, और थोड़ा अपना भी ले लेते हैं। ये देखिए पीछे का भी नजारा काफी खूबसूरत है, पहाड़ों पे एकदम बर्फ जमा चक चक बर्फ चले। तो होगा गिरावट भाई, मैं तो अभी अगली बार बच्चों को मिलाने वाला हूँ। तो ठीक है चलिए, और कितने दिन तक तो भाई कैसा लग रहा है? देखो भाई सबरे पलट का अगली बार टूर कहाँ का होगा? अपनी जगह पर अगर कहीं जन्नत है हाँ तो वो यहाँ है, वो यहाँ सबरे अपनी जगह पलट का देखने लग जाओ। मतलब एसी का जो मजा है वो कचरा है इसके सामने भाई साहब, लोग कहते हैं पलट का देखने लग जाओ। तो देखो भाई हमारे यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं, अच्छा था आप थोड़ा दब गई। चलो नहीं हम किसी से नहीं दबेंगे, भैया ने फोटो बहुत जोर का लिया है तो हमें आप भेज देना। अरे काफी खूबसूरत है यार ये फोटो, तो मुझे भी देना, सेव करो, बहुत जोर का फोटो है यार ये। ये फोटो भैया डिलीट नहीं मारने वाले, बड़ी मेहनत से खींचता है ऐसी जगह फोटो, समझ लो एक फोटो की कीमत, एक फोटो की कीमत कम से कम मान लो 1,00,000 रुपए की है। 1,00,000 रुपए हाँ, और मैं भी आऊंगा इसमें पीछे से। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक एक फोटो की कीमत 1,00,000 रुपए है। ऊपर का व्यू मैं एक बार दिखाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? जा रहे बात होगी, पूछ दिया ये देख रहे हैं टनल टाइप की, ऊपर यहाँ सारे इसके ऊपर ऊपर रोड है, और ऊपर तक आप देखिए कितनी लेयर है सड़कों की एक के बाद एक, तो ऐसा लगता है दूर से नहीं दिखता है ये बर्फ की लेयर है, ये जगह जगह बर्फ सॉरी दूर से नहीं दिखता है ये रोड की लेयर है, एक के बाद एक ऊपर जाते हुए आपको वाहन मिल जाएंगे, और दूर से तो ये पहाड़ी दिखेगा, नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो एक दो सड़कें ही आपको दिखेंगी, लेकिन सड़कों की लेयर बनी हुई है एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी, और चारों तरफ का व्यू जो है यहाँ से आपको मिलता रहता है। तो इसके बाद हम अटल टनल जाएंगे, अब हम अपने कैमरे को कर लेते हैं रिचार्ज फिर से, तो इसे बंद करते हैं व्लॉग को।